बैक टू माय चैनल स्टडी विद व्लॉग्स। तो आज की वीडियो में बात करेंगे एसएससी एमटीएस रिक्रूटमेंट 2022, जिसके आवेदन 22 मार्च को कैलेंडर जो लॉन्च हुआ था उसके हिसाब से आज 22 मार्च को उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यानी कि आज 22 मार्च है तो आज जो नोटिफिकेशन उसके आने की पूरी संभावना है शाम को। तो अगर आज नहीं आएगा तो दो दिन में इसका पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको हर गवर्नमेंट जॉब की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एसएससी एमटीएस नोटिफिकेशन 22 मार्च को इसके बाहर जारी होने की पूरी संभावना है, और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी आपके 22 मार्च को जारी हो जाएंगे जो 30 अप्रैल तक चलेंगे। यानी कि शाम को नोटिस जारी हो जाता है तो कल से आप आवेदन कर सकते हैं। और फीस पेमेंट आपके मैं आगे बताऊँगा आपको। और लास्ट डेट लास्ट डेट ऑफ द पेमेंट थाउट ऑफ बाई मई में लास्ट डेट है इसके पेमेंट 30 अप्रैल, तो मई के एंड दिन 5 मई के समथिंग आप इसके चालान जमा करा सकते हैं जो फीस भरी है उसकी। तो आप ऑनलाइन करेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। एसएससी एमटीएस एप्लीकेशन स्टेटस, यानी कि आपके कब चेक कर पाए, मई जून में आप चेक कर पाएंगे। और एग्जाम इसका जून मई के एंडिंग और जून के स्टार्टिंग में उसके एग्जाम होने की पूरी संभावना है। डेट जून में इसकी आ जाएगी तो जून में आपके एग्जाम हो जाएंगे। तो इसमें कितने पेपर होंगे, तो इसमें दो सिलेक्शन प्रोसेस है कि दो पेपर होंगे इसमें। तो फर्स्ट पेपर आपको एमसीक्यू टाइप होगा, जिसमें ये अभिसंधक के माध्यम से आपका पहला पेपर होगा, इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर, यानी कि आपको एक पत्र लिखना होगा जो हिंदी में भी लिख सकते हैं, आपकी जो लैंग्वेज चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आपको पत्र लिखना होगा। तो इसको ऑनलाइन आवेदन 22 मार्च यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक चलेंगे। यानी कि इस वीक में आपके कैसे भी करके आपके नोटिफिकेशन आ जाएगा और आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। और फीस की बात करें तो इसमें फीस एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 9 फीस लगी गई है और अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपये रखी गई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, तो इसमें 10th पास स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो तरह की पोस्ट है जिनमें एज है 18 से 25 ईयर एंड 18 से 27 ईयर की दो पोस्ट इसमें रखी गई है, जिसमें अलग अलग आप आवेदन कर सकते हैं और एज लिमिटेशन भी इसमें लागू होगा। और सिलेबस की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट है, रीजनिंग, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस। तो जिसमें 25 क्वेश्चन, यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे टोटल। 90 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना होगा। और दूसरा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको 50 नंबर का होगा, 50 नंबर का 30 मिनट में आपको ये पूरा करना होगा। और सैलरी की बात करें तो इसमें सैलरी आपकी 20,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी, 20,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और आपके अलग अलग जैसे कि बेसिक भत्ता, ड्रेस अलाउंस वगैरह, वो भी इसमें जुड़ के आपके लगभग 27-28 के समथिंग आपकी सैलरी होगी। तो पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो सिलेबस की वीडियो में आपके अगली वीडियो में आपके लाऊंगा सिलेबस और प्रीवियस कट ऑफ के बारे में। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। और आगे की वीडियो में हम जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।